boltikahani.com पर आप सुनेंगे कहानी लम्हों ने खता की थी। गुरमीत पाटनकर के 30 साल के लंबे सेवा काल में ऐसा पेचीदा मामला शायद पहले दफा सामने आया था। इस बहुराष्ट्रीय कंपनी में पिछले वर्ष पीआरओ पद पर ज्वाइन करने वाली रिया ने अपने 6 वर्ष की बच्ची के लिए कंपनी द्वारा शिक्षण संबंधी व्यय के पुनर्भरण के लिए प्रस्तुत आवेदन में बच्ची के पिता के नाम का कॉलम खाली छोड़ दिया था। अभिभावक के नाम की जगह उसी का नाम और हस्ताक्षर थे। उन्होंने जब रिया को अपने कमरे में बुलाकर बच्ची के पिता के नाम के बारे में पूछा तो वो भड़क कर बोली, इफ क्वांटिंग ऑफ फादर्स नेम इज मैंडेटरी प्लीज गिव मी बैक माई एप्लीकेशन, आई डोंट नीड एनी मर्सी, और बिफरती हुई चली गई थी। टेलीफोन की घंटी बजने से उनकी तंद्रा भंग हुई। उन्होंने फोन उठाया मगर फोन सुनते ही वे और भी उद्विग्न हो गए। फोन उनकी पत्नी का था। वो बेहद घबराई हुई सी लग रही थी और उसने फौरन घर पहुंचने के लिए कहा। घर पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा तो सन्न रह गए। रिया भी उन्हीं के घर पर थी और भारी डिप्रेशन जैसी स्थिति में थी। कुछ अधिकारियों की पत्नियां उन्हें संभाल रही थी, दिलासा दे रही थी, मगर उसे रह रहकर दौरे पड़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी पत्नी उन्हें यह बता पाई कि उसकी 6 वर्षीय बच्ची आज सुबह स्कूल गई थी। लंच टाइम में वो पता नहीं कैसे सिक्योरिटी के लोगों से नजर बचाकर स्कूल से कहीं चली गई। उसके स्कूल से चले जाने का पता लंच समाप्त होने के आधे घंटे बाद अगले पीरियड में पता लगा। क्लास टीचर ने उसको क्लास में न पाकर उसकी कॉपी वगैरह की तलाश ली। एक कॉपी में लिखा था, मैं अपने पापा को ढूंढने जाना चाहती हूँ। मम्मी कभी पापा के बारे में नहीं बताती, ज्यादा पूछने पर डांट देती है। कल तो मम्मी ने मुझे चाटा भी मारा। मैं पापा को ढूंढने जा रही हूँ, मेरी मम्मी को मत बताना प्लीज। स्कूल प्रशासन ने फौरन बच्ची की डायरी से अभिभावकों के टेलीफोन नंबर देखकर इसकी सूचना रिया को दे दी और स्कूल से बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। सभी स्तब्ध थे ये सोचते हुए कि क्या किया जाए। तभी कॉलोनी कैंपस में एक जीप रुकी। जीप में से एक पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही उतरे और पाटनकर के बंगले पर भीड़ भाड़ देखकर उस तरफ बढ़े। पाटनकर खुद चलकर उनके पास गए और उनके आने का कारण पूछा। इंस्पेक्टर ने बताया कि स्कूल वालों ने जिस होली की बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई थी, उसी कदकाठी की एक लड़की किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराकर वे बच्ची की माँ और कंपनी के कुछ लोगों को बतौर गवाह साथ ले जाने के लिए आए। इंस्पेक्टर का बयान सुनकर रिया तो मिसेस पाटनकर की गोद में ही लुढ़क गई थी। वो इंस्पेक्टर से बोली, देखिए आप बच्ची की माँ की हालत देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस हालत में कोई मदद कर पाएगी। हम सभी इसी कॉलोनी के हैं और वो बच्ची स्कूल से आने के बाद इसकी माँ के ऑफिस से लौटने तक मेरे पास ही रहती है, इसलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। अब तक कंपनी के अस्पताल की एम्बुलेंस भी मंगा ली गई थी, इसलिए कुछ महिलाएं अचेत रिया को लेकर एम्बुलेंस में सवार हुई और 2-3 महिलाएं मिसेस पाटनकर के साथ पुलिस की जीप में बैठ कर गई। अस्पताल पहुंचते ही शायद मातृत्व के तीव्र आवेग से रिया की चेतना लौट आई। वो जोर से चीखी, कहाँ है मेरी बच्ची, क्या हुआ है मेरी बच्ची को, मुझे जल्दी दिखाओ, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और मिसेस पाटनकर, तुम तो दादी बनी थी ना पीहू की। कहते कहते वो फिर अचेत हो गई। बच्ची के पलंग के पास पहुंचते ही मिसेस पाटनकर और कॉलोनी की अन्य महिलाओं ने पट्टियों में लिपटी बच्ची को पहचान लिया। वो रिया की बेटी पीहू ही थी। बच्ची की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, वो डिलीरियम की स्थिति में बार बार बड़बड़ाती थी। मुझे मेरे पापा को ढूंढने जाना है, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मम्मी पापा के बारे में नहीं बताती, सब बच्चे मेरे पापा के बारे में पूछते हैं, मैं क्या बताऊं, कल मम्मी ने मुझे क्यों मारा, दादी दादी आप बताओ ना। कहते कहते अचेत हो जाती थी। बच्ची की हालत स्थिर देखते हुए डॉक्टर ने फिर कहा,
देखिए, मैं कह चुका हूँ कि बच्ची शरीर की जगह मेंटली हर्ट ज़्यादा है। हमने अभी से नींद का इंजेक्शन दिया है, ये 3-4 घंटे तक सोई रहेगी। मगर बच्ची की उम्र और हालत देखते हुए हम इसे ज़्यादा सुलाए रखने का जोखिम नहीं ले सकते। बेहतर ये होगा कि बच्ची को होश आने से पहले इसके पापा से मिलवा दीजिए, और इस समय अगर ये संभव ना हो तो उनके बारे में कुछ संतोषजनक उत्तर दिया जाए। आप बच्ची की दादी हैं, आप समझ रही हैं ना? अब मिसेस पाटनकर ने डॉक्टर को पूरी बात बताई तो वो बोला, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर बच्ची के पापा के विषय में आपको ही बताना पड़ेगा। बच्ची को मिसेस सान्याल को सुपुर्द कर मिसेस पाटनकर रिया के वार्ड में आ गई। रिया को होश आ गया था, वो उन्हें देखते ही बोली, मेरी बेटी कहाँ है, उसे क्या हुआ है, आप कुछ बताते क्यों नहीं है? इतना कहते हुए वो फिर बेहोश होने लगी तो मिसेस पाटनकर उसके सिरहाने बैठ गई और बड़े प्यार से उसका माथा सहलाने लगी। देखो रिया, बच्ची अपने पापा के बारे में जानना चाहती है, हम उसे गोलमाल जवाब देकर या उसे डांट कर चुप कराकर उसके मन में संशय व संदेह की ग्रंथि को जन्म दे रहे हैं। इससे उसका बालमन विद्रोही हो रहा है। मैं मानती हूँ कि वो अभी इतनी परिपक्व नहीं है कि तुम उसे कुछ समझाओ या बताओ, मगर तुम एक परिपक्व उम्र की लड़की हो, तुम खुद निर्णय कर लो कि उसे क्या बताना है, कितना बताना है, कैसे बताना है। मगर बच्ची के स्वास्थ्य के लिए, उसके हित के लिए उसे कुछ तो बताना ही है, यही डॉक्टर कह रहे हैं। इतना कहते हुए मिसेस पाटनकर ने बड़े स्नेह से रिया को देखा तो उन्हें लगा कि वो उनके साथ अंतस से जुड़ गई है। रिया बड़े धीमे स्वर में बोली, अगर मैं ही ये सब कर सकती तो उसे बता ही देती ना, अब आप ही मेरी कुछ मदद कर दीजिए ना मिसेस पाटनकर। तुम मुझे कुछ बताओगी तो मैं कुछ निर्णय कर पाऊंगी ना, मिसेस पाटनकर ने रिया का हाथ अपने हाथ में स्नेह से थाम कर कहा। रिया ने एक बार उनकी ओर बड़ी याचना भरी दृष्टि से देखा, फिर बोली, आज से 7 साल पहले की बात है, मैं MBA कर रही थी। हमारा परिवार आम मध्य परिवारों की तरह कुछ आधुनिकता और कुछ पुरातन आदर्शों की खिचड़ी की सभ्यता वाला था। मैंने अपनी पढ़ाई मेरिट स्कॉलरशिप के आधार पर पूरी की थी, इसलिए जब MBA करने के लिए बेंगलुरु जाने का तय किया तो माता पिता विरोध नहीं कर सके। MBA के दूसरे साल में मेरी दोस्ती संजय से हुई, वो भी मध्यम वर्ग परिवार से ही था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, मगर आज लगता है कि उसे प्यार कहना गलत था, वो तो दो जवान विपरीत लिंगी व्यक्तियों का आपस में शारीरिक रूप से अच्छा लगना मात्र था, जिसके चलते हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहते थे। 5-6 महीने बीत गए थे तो एक दिन संजय बोला, रिया हम तुम दोनों व्यस्क हैं, शिक्षित हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, काफ़ी दिन से साथ साथ घूमते फिरते और रहते हुए एक दूसरे को अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये समय हमारे करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसमें क्लासेस के बाद इस तरह रोमांस के लिए मिलने जुलने में समय बिताना दरअसल समय ही नहीं करियर को भी बर्बाद करना है। अब हम तुम जब एक दूसरे से इतना घुल मिल गए हैं तो हॉस्टल छोड़कर किसी किराए के मकान में एक साथ मिलकर पति पत्नी बनकर क्यों नहीं रह सकते? आखिर प्रोजेक्ट में भी पार्टनर की जरूरत होगी, मगर MBA के बीच शादी, वो भी बिना घर वालों को बताए, उनकी रजामंदी के। मैं बोली तो संजय मेरी बात बीच में काटकर बोला था, मैं बैंड बाजे के साथ शादी करने को नहीं, हम दोनों की सहमति से आधुनिक वयस्क युवक युवती के एक कमरे में एक छत के नीचे लिव इन रिलेशनशिप के रिश्ते में रहने की बात कर रहा हूँ। इस तरह हम पति पत्नी की तरह ही रहेंगे, मगर इसमें 7 जन्म तो क्या इस जन्म में भी साथ निभाने के बंधन से दोनों ही आज़ाद रहेंगे? मैं संजय के कथन से एकदम चौंकी थी। तो संजय ने कहा था, तुम ऑर्थोडॉक्स मिडिल क्लास की लड़कियों की यही प्रॉब्लम है कि तुम चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, मगर मॉडर्न और फॉरवर्ड नहीं बन सकती। तुम्हें तो ग्रेजुएशन के बाद BEd करके किसी स्कूल में टीचर का जॉब करना चाहिए था,
एमबीए में एडमिशन लेकर अपना समय और इस सीट पर किसी दूसरे जीनियस का फ्यूचर बर्बाद क्यों कर रही हो? उसके इस भाषण पर भी मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो मानो समझाइश पर उतर आया था। बोला, अच्छा देखो, आमतौर पर माँ बाप लड़की के लिए अच्छा सा लड़का, उसका घर परिवार कारोबार देखकर उसे तमाम सगे संबंधी और ताम झाम जोड़कर 8-10 दिन का वक्त और 8-10 लाख रुपए खर्च करके जो अरेंज मैरिज का नाम देते हैं उसे शादी कहते हैं। क्या उन सभी शादियों में पति पत्नी में जिंदगी भर निभा पाने और सफल रहने की गारंटी होती है? नहीं होती है ना। तो मेरी मानो तो माँ बाप का अब तक का जैसे तैसे जमा किया गया रुपया उनके भविष्य में काम आने के लिए छोड़ो। देखो, ये लिव इन रिलेशनशिप दकियानुसी शादियों के विरुद्ध एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। हम जैसे पढ़े लिखे एडवांस यूथ का समर्थन मिलेगा तभी इसे सामाजिक स्वीकृति मिलेगी। अब किसी को तो आगे आना होगा ना, तो हम ही क्यों ना इस रेवोल्यूशनरी चेंज के पायनियर बने। सो कम ऑन, बी बोल्ड, मॉडर्न एंड एडवांस। करियर बन जाने पर और पूरी तरह सेटल हो जाने पर हम अपनी शादी डिक्लेयर कर देंगे। सो कम ऑन, वरना मुझे तो मेरे करियर पर ध्यान देना है। मुझे अपने करियर पर ध्यान देने दो। एक तो संजय से मुझे गहरा लगाव हो गया था, दूसरे मुझे उसके कथन में एक चुनौती सी लगी थी। अपने विचारों, अपनी मान्यताओं और अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध, इसलिए मैंने उसका समर्थन करते हुए उसके साथ ही अपना हॉस्टल छोड़ दिया और हम किराए के एक मकान में लेकर रहने लगे। मकान मालिक एक मारवाड़ी था जिसे हमने अपना परिचय किसी प्रोजेक्ट पर साथ साथ काम करने वाले सहयोगियों की तरह दिया। वो क्या समझा और क्या नहीं, बस उसने किराए के एडवांस के रुपए ले लिए और मकान में रहने की शर्तें बताकर छुट्टी पाई। धीरे धीरे एक साल बीत चला था। इस बीच हमने कई बार पति पत्नी वाले शारीरिक संबंध बनाए थे। इन्हीं में पता नहीं कब और कैसे चूक हो गई कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने संजय को एक खबर बड़ी उत्साह से दी थी, मगर वो सुनकर एकदम खींच गया और बोला, मैं तो समझ रहा था कि तुम पढ़े लिखे समझदार लड़की हो, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह इस्तेमाल करती रही होंगी, तुम तो आम अनपढ़ औरतों जैसी निकली, अब फटाफट किसी मैटरनिटी होम में जाकर MTP करा लो। बच्चे पैदा करने के लिए और माँ बनने के लिए जिंदगी पड़ी है। अगले महीने कुछ मल्टीनेशनल कंपनी के प्रतिनिधि कैंपस सिलेक्शन के लिए आएंगे, इसलिए MTP इस सप्ताह करा लो। मैं सन्न रह गई थी संजय की बातें सुनकर। क्या यही सब सुनने के लिए मैं मॉडर्न फॉरवर्ड और बोल्ड बनी थी? आज कई साल बाद पहले कॉलेज में एक विदुषी लेखिका का भाषण का एक वाक्य याद आ रहा था, हमें नारी मुक्ति चाहिए, मुक्त नारी नहीं। और इन दोनों की स्थितियों में अंतर भी समझ आ गया था। मैंने हर तरह से इस चीज का विरोध करने की कोशिश की। सामाजिक संस्था से मैंने हेल्प लेनी चाहिए, मैंने वकील से भी मदद की गुहार की, पर उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। और जब अगले महीने कुछ इंटरनेशनल कंपनीज सिलेक्शन के लिए आई तो संजय का सिलेक्शन एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया और 4-5 साल से वो न्यूयॉर्क में एक बैंक में मैनेजर HRD का काम कर रहा है। बस इतना ही मालूम है मुझे उसके बारे में, किसी कॉमन फ्रेंड ने बताया था। रिया ने मानो पीछा छुड़ाने के लिए कहा। रिया की बात सुनकर मिसेस पाटनकर कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली कि हाँ, अब मुझे लगता है कि समस्या का हल मिल गया है। तुम्हें और संजय को अलग हुए 6-7 साल हो गए हैं, इस बीच में तुम्हारा उससे कोई संबंध तो क्या संवाद तक नहीं हुआ है। उसके बारे में बताया जा सकता है कि वो न्यूयॉर्क में रह रहा है, वहीं काम करता था। वहाँ किसी विध्वंसकारी आतंकवादी घटना के बाद उसका कोई पता नहीं चल सका है। वो गंभीर रूप से घायल होकर पहचान नहीं होने से किसी अस्पताल में अनाम रोगी की तरह भर्ती है या मारा गया है। अस्पताल के मनोचिकित्सक को यही बात पियू के पापा के बारे में बता देते हैं। वो अपने आप किसी तरह और जितना चाहेंगे पियू को होश आने पर उसके पापा के बारे में अपनी तरह से बताते हैं।
और आज से यही ऑफिशियल जानकारी होगी पीहू के बारे में। ठीक है, जैसा आपको सही समझे। आप पीहू की दादी हैं या नानी मैं कह नहीं सकती, मगर अब मुझे लग रहा है कि मेरे कुछ मूर्तापूर्ण भावुक लम्हों की जो लंबी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही थी, उसके लिए मुझे आप जैसी ममतामयी और दृढ़ महिला के सहारे की हर समय और हर कदम पर जरूरत होगी। आप मुझे सहारा देगी ना, मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगी, बोलिए। कहकर उसने मिसेस पाटनकर का हाथ अपने कांपते हुए हाथों में कस के पकड़ा। रिया, मुझे तो पीयू से इतना लगाव हो गया है कि मैं तो खुद उसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। दुखी हो जाती हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, पर अभी इस वक्त तू अपने आप को संभाल, जिससे हम दोनों मिलकर पीहू को संभाल सके। अभी मेरा हाथ छोड़ तो मैं यहाँ से जाकर मनोचिकित्सक को सारी बात बता सकूँ। ये कहकर रिया के माथे को चूमकर उसे आश्वस्त किया, बड़ी नरमी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और डॉक्टर के कमरे में चली गई। boltikahani.com पर आपने सुनी कहानी लम्हों ने खता की थी।